नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंजुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करते हुए आज की इस कड़ी को प्रस्तुत कर रही हूँ। कल यानी 29 जुलाई 2022 को JNRN कॉलेज के ऑडिटोरियम में अंजुमान निकोबार के बहुत सारे युवा तथा विद्यार्थियों के लिए एक कैरियर गाइडेंस सेशन आयोजित किया गया था, जिसको हमारे IPNT के सेक्रेटरी श्री हरि कलिकट जी, साउथ अंडमान के SP श्री आर कलिया वन्नन और SBI के चीफ मैनेजर श्री सुमन बरला जी ने संबोधित किया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कैरियर गाइडेंस सेशन में हमारे युवाओं के लिए NGO गुरु की रसोई के डायरेक्टर श्री मंदीप ग्रेवाल ने किया था। तो अब चलते हैं हमारे रिपोर्टर सीमा जी की रिपोर्ट को देखते हैं। So, I'm not a career guidance expert. I can't guide you on how to go ahead in your life or how to go ahead in your career. But I can tell you one thing, identify your passion. Enjoy karne ka time alag hona hai aur concentrate karne ka time alag hona hai. So, is dono cheez ko balance kar sakte hain life mein aage ja sakte. तो इसका क्रेडिट मैं अपने फादर को देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से बाहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं कलकत्ता में अपना ग्रेजुएशन किया, फिर वहीं से मैं बैंक के लिए तैयारी किया, बैंकिंग के लिए IBPS और प्राइवेट सेक्टर में आप डायरेक्टली बैंक का जो प्राइवेट बैंक्स के अपने अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू उसमें सेलेक्शन होता है। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ का, आपको घूमने का, किसी को अगर घूमने का शौक है तो घूमने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप देश विदेश घूम सकते हैं, बैंक के पॉज पर घूम सकते हैं। 3 to 5 years में आप एवरी 3 to 5 years में आप नेक्स्ट स्टेप में आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे आप फ्यूल यूज़ करते हैं, आपको अकोमोडेशन चाहिए, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के आपको अलाउंसेस मिलते हैं। स्पेशल एरिया जैसे अंडमान में कोई पोस्टेड होता है तो उसको स्पेशल एरिया अलाउंस मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में कोई पोस्टिंग होता है उसको स्पेशल एरिया अलाउंस मिलता है। अच्छे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, आप प्राइवेट बैंक्स में और उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये भी करना है वो भी करना है, 10 जगह घूमेंगे नहीं, सब चीज़ करना है तो नहीं कर पाएंगे। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको चूज करिए। Now I would like to call you Mandeep Garhiwal sir, founder and president of Hotel Gurukeshwar. आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। we didn't have anything like Suman sir, उसमें we were discussing, we didn't have this kind of opportunities that be an IAS, IPS, a banker sitting right in front of you explaining what all you can do. We were like कि हम तो blind identity 12th के बाद इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर बनना है बस। Now you have career guidance sessions, this is like a blessing for you. I hope जो सर ने जैसे बताया है, अ पैशन लेके इफ यू गो अहेड डेफिनेटली यू कैन मेक थिंग्स लाइक योर लाइफ अ वेरी बिग एंड लार्ज। एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, सर लोग का भी टाइम बहुत कीमती है। एंड आई थैंक यू वंस अगेन सर एंड फॉर गिविंग टाइम, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कम अगेन विद थोड़ा टाइम बाद, बट डेफिनेटली एंड आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, न्यूज अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा करकटा और इस वक्त हम खड़े हैं JNRN के ऑडिटोरियम के बाहर पे, जहाँ पे गुरु की रसोई दी एक और एक इनिशिएटिव लिया है करियर गाइडेंस के लिए, जो बच्चों के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है या जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए एक करियर गाइडेंस का एक यू कह सकते हैं सेमिनार के जैसे उन्होंने एक आयोजन किया है। तो उसी में हमारे गणमान्य जो अतिथि थे उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम सर हरि कलिकट सर से जानेंगे। सर बताइए कि बच्चों का रिस्पांस कैसा रहा। पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैरियर गाइडेंस स्कूल कॉलेज का टाइम में एक्चुअली बहुत ज़रूरी है जी। हमारा टाइम में भी हम लोगों को भी इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था, तो हम लोग अभी चाहते हैं कि बच्चों लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देना है।
बच्चा लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस देना है, वो उन लोगों को पता करना है वो कॉलेज के बाद क्या कर सकते हैं, इतना अपॉर्चुनिटीज है अभी इसके लिए। हम लोग भी बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एफर्ट्स है, मॉडल करियर सेंटर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंडर वो लोग भी एक्चुअली बहुत करियर गाइडेंस सेशंस वगैरह भी दे रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी वो एनजीओस वगैरह भी इसमें बहुत इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो बच्चों के लिए इस तरफ का सेशन बहुत बेनिफिशियल है। अभी इस तरफ का सेशन के बाद ना अभी एक बच्ची एक्चुअली स्टूडेंट एक्चुअली बोला उनको आईपीएस बनाना है, सिविल सर्विस होना है। सो इनका ड्रीम्स का लेवल एक्चुअली बढ़ रहा है हर सेक्शन में, वो लोग इतना सोचता था पहले, अभी एक सेशन के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उनका सोच में भी एक्चुअली फर्क हो रहा है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल, बच्चों लोगों को ये कंटिन्यूसली करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल द कॉलेजेस टू टेक अप सच इनिशिएटिव्स, हर कॉलेज में ये होना है, वी विल डेफिनेटली डू दिस। तो उनका बच्चों का रिस्पॉन्स कैसे रहा इसमें, जैसे सेमिनार में आपने देखा तो आपको क्या लगता है उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? हर बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट है ना, एक बच्चे के मैटर में बोला उनका आईपीएस होना है, सो उस तरफ से सब लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट है, सो दे आर लाइकिंग इट। वो पूरा सेशन में इसको इंटरेस्ट नहीं होगा, बट उनका एक एरिया आएगा वो टाइम एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टली सुन रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट लोन के बारे में भी बहुत डिस्कशन हो गया उधर, सो उस तरफ से अपना इंटरेस्ट एरिया आएगा तो दे लाइक इट, दे ऑल्सो वॉन्ट सच सेशंस एंड वी ऑल्सो वॉन्ट दीज सेशंस टू गिव टू स्टूडेंट्स। हम लोग को ये नहीं मिला, उन लोगों को होना है, दैट्स अ मोटो ऑफ आवर सर्विस ऑल्सो। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस, थैंक यू सो मच। इसी बीच हमारे साथ में है कलीवन सर, जो उनसे भी जानते हैं कि सर चैनल में आपका स्वागत है, और ये जो आपने आज जो सेमिनार में आपने स्पेशल टॉक दिया है, तो इससे आपको क्या लगता है बच्चों के अंदर में, जो आज के जो जनरेशन है उनके अंदर में कितना एनर्जी आपने भर पाया है? ये जो सेशन जो था मतलब बहुत अच्छा था, स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, और मतलब मुझे उम्मीद है कि मतलब आगे जाके जो है ये जो सेशन जो अटेंड किए थे ये लोग भी मतलब किसी ना किसी फील्ड में मतलब बहुत बढ़िया अचीव करेंगे, आईएएस आईपीएस कोई बिजनेसमैन या किसी प्रोफेसर या किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो बहुत बढ़िया अचीव करेंगे बोल के मुझे उम्मीद है, और मुझे बहुत खुश लगा। जी चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ में है स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर सुमन फ्रांसिस बारला। सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जैसे आपने आज बैंक के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल के लिए जो बहुत सारे लोन्स के बारे में आपने बताया, तो क्या लगता है बच्चे आएंगे आगे बढ़ के, और बच्चों का रिस्पॉन्स आपको कैसे लगा? मुझे लगता है बच्चे ज़रूर आएंगे, क्योंकि बच्चे जिस तरह से उन्होंने सवाल जवाब किए काफ़ी इंटरेक्टिव था, उन्होंने स्टूडेंट लोन के बारे में जानना चाहा, ये खुशी की बात है कि बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, और ये जरूर होना भी चाहिए, बच्चे आगे पढ़ेंगे आगे तो आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह की यहाँ पे हमने देखा ज़्यादातर लड़की बच्चियाँ उन्होंने वो ज़्यादा इंटरेक्टिव थी, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, अगर लड़कियाँ आगे पढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, और ये जरूर आगे करेंगे। अब हम तो चाहते हैं कि इस तरह का सेशन और होना चाहिए, सो दैट बच्चों को आगे भी और भी लोगों को लाभ मिले, ज़्यादा लाभ मिले। चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पुनः हमारे बीच में मौजूद है गुरु के रसोई के डायरेक्टर श्री मनदीप गरेवाल जी। सर चैनल में पुनः आपका स्वागत है, और काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे जो आपके आज के जो डिग्निटरीज थे उन्होंने काफ़ी सारी बातें बता दी, तो हमारे बीच में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि ये सर को ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है कि वो ऐसे तरह के आयोजन करें, सर बताएं। नमस्कार, थैंक यू। जस्ट इट्स लाइक कि जो भी इनोवेटिव और जो भी क्रिएटिव चीज़ें कर लें तो दिमाग में आती है, उस तरह करते जाते हैं, हमारी टीम है। एंड लाइक ये JNRM वाला तो देर वॉज अ मीटिंग इन कुछ दिन पहले तन्मय ने बुलाई थी, उसमें दे वे टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो रादर देन टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट व्हाई डोंट वी नर्चर आर किड्स दोज आर ऑलरेडी स्टडिंग टू गेट बिकम अ एम्प्लॉयर रादर देन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब और डूइंग समथिंग एल्स। प्राइवेट में भी देर इज लॉट ऑफ सेक्टर्स वेयर वी कैन गो एंड डू मेनी थिंग्स, सो दिस इज हाउ इट इज़। एंड आई होप ऐसे आइडियाज आते रहे एंड वी विल ट्राई डूइंग समथिंग और द अदर। यही हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं सर को ऐसे इंस्पिरेशन मिलते कहाँ से, कैसे आप उनको मतलब फंड कहाँ से मिल पाता है आपको, कैसे आप कैसे मैनेज कर पाते हो? इसमें
फंडिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ जस्ट वी रिक्वेस्टेड, आई वेंट टू सर हरी सर कलिमिनन सर सुमन सर SBI गए थे, सबको रिक्वेस्ट किया, ये JNR हमको कॉलेज है, वी जस्ट गॉट अ प्लेस एंड वी आर सिटिंग, इट्स जस्ट एन आइडिया, इट डजेंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट ओनली टाइम एंड सर लोग ने टाइम दिया एंड आई होप ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दे आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आप कोविड 19 महामारी के वक्त पे आपने काफ़ी सारे लोगों को मतलब बढ़ चढ़ के आपने भाग लिया, मतलब बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को आपने सहायता की, तो उस विषय में लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि सर इतने मतलब इनिशिएटिव कैसे ले पाते, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलता है, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, शायद आपसे इंस्पायर होकर कोई और ऐसे एक गुरु की रसोई का पार्ट टू आ जाए या फिर कुछ भी एक इनिशिएटिव आ सकता है, तो वो शायद इसलिए इसको जानना चाहते हैं सर। बेसिकली जो हमारा ये जो मैंने ये NGO हमने मिलकर स्टार्ट किया था, दिस वाज फंडेड बाय एंटायरली सिख कम्युनिटी, लाइक कुछ लोगों ने आगे आके फंड्स दिए हमें एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड बीइंग अ सिख, लाइक आई एम अ पंजाबी सिख बोलते हैं जो, तो हमारे गुरु नानक देव जी का ये है नाम जपो कीरत करो वंड छको, सो माई रिलीजन इट्सेल्फ, वी यू विल सी पंजाबी इज ऑलवेज कमिंग आउट विद लंगर्स, विद डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एंड दैट, यू विल फाइंड एनी पार्ट इफ देयर इज एनी नेचुरल कैलामिटी, यू विल फाइंड फर्स्ट थिंग इज अ सिख कम्युनिटी, पीपल स्टैंडिंग देयर हेल्पिंग पीपल, सो दिस इज हाउ इट इज एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर वाहेगुरु जी टू ब्लेस अस टू डू मोर एंड मोर एंड विल कंटिन्यू दिस, थैंक यू। सो यस्टरडे कल आपने जैसे कि स्पेशल डोज जो बूस्टर डोज के लिए आपने कैंप आयोजन किया, आज आपने यूथ्स के लिए आयोजन किया, तो ऐसे और आगे आपके क्या क्या प्लान्स हैं? हाँ जी थैंक, ये अभी नेक्स्ट हमारा संडे को, कमिंग संडे दैट इज 31st को हमारा PHC भिम्बरलीगंज में एक फ्री हेल्थ कैंप है हेल्थ फॉर यू के साथ में, इन विच लाइक वी आर टारगेटिंग कन्यापुरम मनारगढ़ एंड भिम्बरलीगंज एरिया के जो लोग हैं उन्हें फ्री हेल्थ सेवा दिलाई जाए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के थ्रू, 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ रहे हैं, आशा करता हूँ उसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और फ़ायदा उठाएँ उस कैम्प का। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच में गुरु की रसोई के डायरेक्टर श्री मनदीप ग्रेवाल जी, जो काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी इंस्पिरेशन लोगों के लिए है और ये आगे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। सेमिनार में कुछ बच्चों ने भाग लिया, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस सेमिनार से कितना लाभ हुआ। चैनल में आपका स्वागत है और बताएं आज का जो सेशन था आप लोगों के लिए कैसा रहा? अच्छा था, हम लोग को इंस्पिरेशन मिला, आए IAS IPS आए, बड़े बड़े लोग हम लोग से मिलने आए JNR में, अपना स्टोरी सब बताए। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोगों अपना मतलब हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपना करियर चॉइस करना चाहिए, उसके लिए हमें हार्डवर्क करना चाहिए, अभी हम मेहनत करेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, तो अभी टाइम बहुत कीमती है तो इस टाइम को हम लोगों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। तो जैसे बैंक वाले भी आए थे, बैंक वालों ने क्या बताया? बैंक वालों ने बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया कि कैसे स्टूडेंट्स को जो है लोन देते हैं पढ़ाई के लिए, जो कि इस लोगों को मदद करते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक है उस लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है सब जो लोन्स है, तो वही सब उसके बारे में बताया उन्होंने। हाँ, तो ये सेशन अटेंड करने के बाद आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर्स और करियर को लेके, तो कैसे लग रहा है अभी? अच्छे लग रहा है, मतलब बड़े बड़े लोग से सुनने में और हम लोग बड़े होके क्या क्या करना है उसी से अभी। हमारी न्यूज़ अंडमाइन की टीम भी आप सभी का अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं और ऐसे सेमिनार्स में जब आप भाग लेते हैं तो बेशक आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं और आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर होते हैं। तो चैनल से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नवीन कैमरा पर्सन के साथ मैं सीमा करकटा न्यूज़ अंडमान 24/7 के लिए। तो जिस तरह आप लोगों ने सुना कि कैसे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट तथा आयोजक ने सभा में मौजूद सभी युवाओं तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिलाया, हमें ना सिर्फ सरकारी नौकरियां बल्कि उस काम के लिए अड़े रहना चाहिए जिसमें आपकी रुचि और पैशन हो। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम द्वीपों के सारे युवाओं विद्यार्थियों तथा बेरोजगारों को कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर बनो योजना के तहत आपको जिन कामों में रुचि हो उसी की ओर कदम बढ़ाएं। कई सारे सरकारी संस्थाएं जो आप लोगों को आर्थिक मदद देती है उनसे संपर्क करें, अपने प्रोजेक्ट को जमा कराएं, विभाग के बड़े अधिकारी से मिले और आगे बढ़े।
ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही निर्भर रहे। अंत में मैं रीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।